सबसे पहले आप सभी लोगों को जय राम जी की और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अभी हम अपने नेपियर वाले खेत में हैं। आज हमारे खेत में नेपियर की दो तीन वैरायटी लेने के लिए भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी से हमारे इस खेत में भाई साहब आए हुए हैं नेपियर की दो तीन वैरायटी लेने के लिए। तो आपको भी इनसे मिलवाते हैं और जो कुछ भी इन्हें जानकारी है या कैसे आए तो इस बारे में हम भाई साहब से पूछते हैं। भैया, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। सबसे पहले सभी दर्शक भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं वाराणसी के तेंदुई खंडा ग्राम से आया हूँ, जो कि यहाँ पे नेपियर घास लेने दो तीन वैरायटी है इनके यहाँ नेपियर घास, जो कि मैं आज ले करके जाऊंगा और लगाऊंगा, देखते हैं कैसा रिस्पांस मिलता है। और भैया, आपका नाम बता दीजिए। नाम हमारा हुआ प्रदीप कुमार पटेल और हमारा एड्रेस तो वहीं वाराणसी में है, तेंदुई खंडा गांव, जो बाबतपुर हवाई अड्डे के पास में है। जो लोग वहां के आसपास के हैं तो उन लोगों को पता होगा, बाबतपुर हवाई अड्डा वैसे भी बहुत फेमस है जी। तो भैया, हमारे इस खेत से एक ताइवान ज्वाइंट किंग और जो ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर है, इन दो वैरायटी को ले जा रहे हैं। ये दो वैरायटी भैया को बहुत पसंद आई है और अभी हम जिस खेत में खड़े हैं ये देख सकते हैं आप, ये ताइवान ज्वाइंट किंग नेपियर का पौधा है और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्वस्थ पौधा है। और भैया से जानना चाहेंगे, भैया आपको इस मतलब हमारे बारे में कि हम मतलब नेपियर की वैरायटी उपलब्ध करवाते, तो आपको ये कैसे पता चला और आपको आपके यहाँ से और हमारे यहाँ की दूरी कैसे और आप कैसे आए यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हम यूट्यूब के माध्यम से भैया का वीडियो देखे और वहाँ से हमको पता लगा कि यहाँ पे नेपियर घास मिलता है, तो हमने भैया को फ़ोन किया क्योंकि मैं इनका सब्सक्राइबर और इनका वीडियो को देखता हूँ और इनका सब्सक्राइबर भी हूँ। तो उसके बाद भैया से बात करने के बाद हमने डिसाइड किया कि यहीं से बीज को हम लेकर के जाएंगे और बाइक से ही हम लोग वहाँ वाराणसी से यहाँ तक आए हुए हैं, जो कि फिर अपना लेकर के जाएंगे। जो हमारा पता है वो अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में टांडा के पास और अकबरपुर के बीच में एक छोटी सी जगह है, हमारा छोटा सा गांव है बरियाउन के पास में, ये हमारा घर है। तो यहाँ से तकरीबन आपके यहाँ तक की दूरी समथिंग लगभग 157 किलोमीटर है बनारस से, बाबतपुर से, और यहाँ तक की दूरी लगभग 157 किलोमीटर पड़ता है। तो भैया इतनी दूर से आए हैं 157 किलोमीटर का सफ़र तय करके। भैया बता रहे थे कि सुबह 6:45 बजे चले थे और हमारे यहाँ करीब 9 बजे के आसपास पे आ गए थे। तो भैया बनारस से बाइक से आए हैं, ये शाहगंज जौनपुर होते हुए हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर में आए हैं। तो भैया इतनी दूर से आए हैं और बाइक से इतनी दूर सफ़र करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और जो भैया को चाहिए वो हम इन्हें काट कर और फिर देते हैं। तो अभी भैया के लिए यहाँ से हमने ताइवान ज्वाइंट किंग नेपियर को काटा है और फिर यहाँ पर लाकर रखा है, बीच में तार है तो इसे पार करके और फिर वहाँ दादाजी के ट्यूबवेल पर ले जाकर इसकी कटिंग करेंगे और भैया को फिर पैक करके बोरी में भरकर फिर भेजेंगे। मतलब स्टार्ट है इधर से ले लेंगे। काटने में ही वैसा कोई मशीन उसमें रहता कि कटर आवत है उसका ऑर्डर किए हैं, लेकिन अभी दो तीन दिन लग जाए कैंची की तरह हो थी।
भैया जी को कुल मिलाकर 1000 स्टिक चाहिए और ये 410 स्टिक है, तो ताइवान ज्वाइंट किंग की थोड़ी और स्टिक काटनी पड़ेगी और ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर की भी 500 स्टिक है, तो दोनों मिलाकर 500 1000 स्टिक होंगी और दोनों दो बोरी में आ रही हैं। एक स्टिक डबल नोट्स की है, ये आप देख सकते हैं, एक नोट्स यहाँ पर हैं और दूसरी नोट्स यहाँ पर हैं। एक स्टिक में दो गांठ हैं, तो डबल गांठ वाली भैया जी को चाहिए थी और जो थोड़ा बहुत कम है ताइवान ज्वाइंट किंग का, तो इसमें से काट कर और फिर पूरा कर फिर दो बोरी में पूरा पैक हो जाएगा।